हेलो एवरीवन, सो वेलकम वंस अगेन। अभी हम बात करने वाले हैं कोएक्सियल ट्रांसमिशन लाइंस के बारे में। इससे पहले हम जाने कोएक्सियल को, हमें पता होना चाहिए कि सिंपल ट्रांसमिशन लाइंस क्या होती हैं, क्योंकि कोएक्सियल कहीं ना कहीं उसी से लिंक है। तो सबसे पहले बात करते हैं ट्रांसमिशन लाइन से। अब जैसे कि नाम से पता चल रहा है, ट्रांसमिशन लाइन यानी कि कुछ ट्रांसमिट कर रही हैं, यानी कि एक जगह से किसी चीज़ को दूसरी जगह पर लेके जा रही हैं। तो डेफिनेशन वाइज बात करें तो द कंडक्टर्स और वेव गाइड्स यूज फॉर ट्रांसमिटिंग इलेक्ट्रिक और EM वेव्स, यानी कि आपके ऐसे कंडक्टर्स या वेव गाइड जिसको आप ट्रांसमिट किस चीज़ को कर रहे हो, इलेक्ट्रिक एंड EM वेव्स को। आपकी या तो इलेक्ट्रिक वेव हो या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो, किसी भी लॉन्ग डिस्टेंस के लिए किसके बीच में, किसी भी ट्रांसमीटर एंड रिसीवर के बीच में। मतलब कि एक पॉइंट मान लेते हैं आपका ए यहाँ पर है, दूसरा पॉइंट बी आपका यहाँ पर है। ए आपका ट्रांसमीटर है जो कि सिग्नल को ट्रांसमिट कर रहा है, एंड बी आपका क्या है, रिसीवर, जो कि आपके सिग्नल को क्या कर रहा है, रिसीव। तो यहाँ से आप कोई भी सिग्नल, अब चाहे वो इलेक्ट्रिक सिग्नल हो या आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का सिग्नल हो, आपको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे लेके जाना है। कहाँ से? कहाँ? ट्रांसमीटर से रिसीवर के पास। सो जो ये लाइंस हैं जो कि आपके सिग्नल को ट्रांसमिट करेंगे, इनको हम क्या बोलेंगे, ट्रांसमिशन लाइंस। या फिर शॉर्ट डेफिनेशन की बात करें तो एक स्पेशलाइज्ड केबल और अदर स्ट्रक्चर डिज़ाइन टू कंडक्ट अल्टरनेटिंग करंट ऑफ रेडियो फ्रिक्वेंसी। मतलब कि जो रेडियो फ्रिक्वेंसी रेंज है हमारी EM वेव्स की, उस फ्रिक्वेंसी रेंज में आप अल्टरनेटिंग करंट को क्या करा रहे हो, किसी केबल के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र करा रहे हो। अभी ये चीज़ बिल्कुल बेसिक है, बिल्कुल सिंपल है, क्योंकि इनका हर जगह पे हम यूज़ करते हैं। जैसे रेडियो में हम यूज़ करते हैं, जहाँ भी आपका रेडियो का ट्रांसमीटर होता है वहाँ से सिग्नल को जनरेट करके उसके बाद रिसीवर तक पहुंचाने के लिए सिर्फ और सिर्फ ट्रांसमिशन लाइंस का ही काम होता है। अगर ट्रांसमिशन लाइंस ना हो तो आपके रेडियो के अंदर कोई सिग्नल नहीं आएगा, और सेम काम केबल टीवी के अंदर। सो जो वो लाइंस होती हैं जो कि हमारे करंट को, हमारे सिग्नल को कैरी करके लाती हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसमिशन लाइंस। और फिर ट्रांसमिशन लाइंस है तो उसके कुछ ना कुछ टाइप्स भी होंगे, उसके पार्ट्स भी होंगे। तो इसके पार्ट्स हैं 5 टोटल, जिसमें क्या क्या है, ओपन वायर ट्रांसमिशन लाइन। ओपन वायर मतलब जो कि बेसिकली सबने ही देखी होगी, जो कि अगर आपने ध्यान दिया हो, जो सिंपली घरों के आसपास जहाँ पे भी ट्रांसफॉर्मर वगैरह लगे होते हैं, वहाँ पे कई सारी पैरेलल वायर्स जाती हैं। तो जो ये वायर्स होती हैं, ये जो पैरेलल वायर्स आपके अलग अलग सिग्नल लेके जा रही हैं, अलग अलग करंट लेके जा रही हैं, सो इन वायर्स को बोलते हैं ओपन वायर ट्रांसमिशन लाइन या फिर पैरेलल वायर ट्रांसमिशन लाइन। दोनों नाम अलग अलग हैं बस, लेकिन चीज़ वही है। फिर सेकंड केस आता है हमारा कोएक्सियल ट्रांसमिशन लाइंस। इसका मतलब इसका कोई ना कोई कोर एंड एक्सिस होगा। कोएक्सियल को इसी में हम बहुत ही डिटेल में स्टडी करेंगे। और बिल्कुल शॉर्टली बात करें तो कोएक्सिस यानी कि आप इसके ना सेंटर से पास करा रहे हो ट्रांसमिशन को, यानी कि कोर से जा रहा है। ठीक है, कैसे जा रहा है वो हम देखेंगे अभी। नेक्स्ट है ऑप्टिक फाइबर ट्रांसमिशन लाइन, यानी कि आपकी जो वायर होगी, अब सर्कुलर वायर होगी, इसके अंदर से ऑप्टिक फाइबर यानी कि ऑप्टिक्स का यूज़ करके इसके अंदर बेसिकली, मतलब जो हमारा TIR का फॉर्मूला है, टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन, की यहाँ से हमारी कोई भी लाइट या कोई भी सिग्नल आया तो वो क्या कर रहा है, हमारा स्ट्राइक करेगा, तो बाई टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन वो हमारे सिग्नल को क्या करेगी, ट्रांसमिट करेगी। नेक्स्ट है वेव गाइड्स। वेव गाइड्स हम ऑलरेडी लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि वेव गाइड क्या होते हैं, होलो मेटालिक सिलेंडर या होलो मेटालिक ट्यूब, जो कि आपके सिग्नल को वही ट्रांसमिट करने का काम करती है। फिफ्थ टाइप है माइक्रोस्ट्रिप ट्रांसमिशन लाइन, यानी कि इसके अंदर क्या होता है, जो आपकी माइक्रोवेव फ्रिक्वेंसी होती है, माइक्रोवेव वेव्स हैं, उनको ट्रांसमिट करते हो आप। और कैसे, इसके लिए बेसिकली जैसे हम कार्बन रेजिस्टर्स, ये जो छोटे छोटे डिवाइस होते हैं, इनको इंड्यूस कराते हैं किसी भी हमारे सर्किट बोर्ड के ऊपर, तो सेम उसी तरीके से इसको भी बोर्ड के ऊपर इंट्रोड्यूस कराया जाता है, और वहाँ से हमारी माइक्रोवेव्स ट्रैवल करती हैं। बहुत ही शॉर्ट में इनके बारे में बात की, क्योंकि हमें ये पता होना चाहिए, बाय चांस हमसे थोड़ा बहुत भी कुछ पूछा जाए इससे रिलेटेड तो हम बता सकें। जनरली जो पूछा जाता है वो पूछा जाता है कोएक्सियल के बारे में, तो कोएक्सियल को डिटेल में देखते हैं, क्योंकि वेवगाइड तो हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। एक क्वेश्चन हमारा वेवगाइड से हो जाएगा एंड एक क्वेश्चन हमारा कोएक्सियल से हो जाता है। सो सबसे पहले अगर हम बात करें इसकी डिस्कवरी की, तो कोएक्सियल केबल या कोएक्सियल ट्रांसमिशन लाइन बात एक ही है, इसकी डिस्कवरी 1858 के अंदर हो चुकी थी, लेकिन उस टाइम पे
इसको अलाउ नहीं किया गया, नहीं माना गया, क्योंकि तब तक इसको किसी ने डिस्क्राइब नहीं किया था अच्छे से। लेकिन उसके बाद 1880 के अंदर ओलिवर हैवीसाइड नाम के मैथमेटिशियन आए, ब्रिटिश साइंटिस्ट थे, उन इसका पेटेंट तैयार किया। उसके बाद कोएक्सियल केबल्स को क्या मिला, अप्रूवल मिला। ओके, सो डिस्कवरी की बात अगर हम बात करें इसकी डेफिनेशन की, तो डेफिनेशन वाइज क्या बोलेंगे, इट इज़ अ टाइप ऑफ इलेक्ट्रिकल केबल, एक इलेक्ट्रिकल केबल है, ठीक है, कंसिस्टिंग ऑफ इनर कंडक्टर सराउंडेड बाय अ कॉन्सेंट्रिक कंडक्टिंग शील्ड विथ टू सेपरेटेड बाय डायलैक्ट्रिक। इसका मतलब क्या है कि आपकी एक इलेक्ट्रिकल केबल है, ठीक है, इलेक्ट्रिक सिग्नल को ट्रांसमिट करेगी, ओके, विद इनर कंडक्टर, यानी कि जो इसकी अंदर वाली लेयर होगी वो आपकी क्या होगी, कंडक्टर, ठीक है। तो मान लेते हैं बीच में आपका कोई भी कंडक्टर है, ओके, सो ये आपका कोई कंडक्टर है, स्पेशली कॉपर यूज़ करते हैं, सराउंडेड बाय कॉन्सेंट्रिक कंडक्टिंग शील्ड विद टू डायलैक्ट्रिक्स। अब इसके ऊपर दो लेयर्स हैं डायलैक्ट्रिक की, तो एक लेयर इसके ऊपर आ जाती है डायलैक्ट्रिक की, अभी मैं थोड़ा दूर बना रही हूँ, लेकिन ये इसके बिल्कुल क्लोज होता है, यानी कि इसको कवर करता है। इसके ऊपर एक लेयर आ गई कंडक्टर के ऊपर डायलैक्ट्रिक की, उसके बाद फिर आपकी एक लेयर होती है कंडक्टर की, एंड उस कंडक्टर के ऊपर फिर से आपकी एक डायलैक्ट्रिक की लेयर होती है। सो इसकी मेन कोर की बात करें तो जो हमारी फर्स्ट लेयर होती है वो हमारी होती है आउटर प्लास्टिक शीट, यानी कि जो आपकी बाहर, आपने कोई भी वायर देखी हो बाहर, हमारी जो रबर यूज़ होती है बेसिकली, या किसी केस में प्लास्टिक भी यूज़ कर लेते हैं, तो वो बाहर की वो शीट। सेकेंड लेयर जो होती है उसके जस्ट अंदर वो होती है वोवन कॉपर शील्ड, यानी कि कॉपर की शील्ड होती है, जो कि हमारी क्या, फिर से कंडक्टर। नेक्स्ट थर्ड लेयर है इनर डायलैक्ट्रिक इंसुलेटर, जो उस कॉपर लेयर से अंदर की बिल्कुल कोर लेयर के बीच में होता है एक इनर डायलैक्ट्रिक, जो कि बिल्कुल इंसुलेटर होता है, वहाँ पे आप एयर यूज़ कर सकते हो या कोई भी ऐसा इंसुलेटर जो मतलब बिल्कुल प्रॉपर इंसुलेटर हो। नेक्स्ट सबसे मेन फोर्थ लेयर जो कि है हमारी कॉपर कोर, जिसमें प्योर कॉपर हमारा होता है, जो कि हमारा मेन सिग्नल को ट्रांसमिट करने का काम करता है। सो जो हमारी कोएक्सियल केबल है वो एक टाइप की ट्रांसमिशन लाइन से, जो कि क्या कैरी करती है, हाई फ्रिक्वेंसी के इलेक्ट्रिकल सिग्नल विद लो लॉसेस। लॉसेस तो होते हैं कोएक्सियल केबल के अंदर, लेकिन कम होते हैं। अब कम होते हैं ऐसे थोड़े ना, किसके कंपैरिजन में कम होते हैं। सो जो हमारी ओपन एंड पैरेलल लाइंस थी, सबसे फर्स्ट जो क्लासिफिकेशन है ट्रांसमिशन लाइन का, उसके कंपैरिजन में कम होते हैं। सो अगर हम पॉइंट वाइज बात करें तो दो कंडक्टर्स प्लेस होते हैं हमारे कोएक्सियली, जिनके बीच में आपका फील्ड क्या होता है, डायलैक्ट्रिक मटेरियल, ठीक है, जैसे हमने बात की डायलैक्ट्रिक आपका मे बी एयर, गैस, सॉलिड, कुछ भी आप ले सकते हो। और जो मोस्ट कोएक्सियल केबल्स हैं उनके लिए आप क्या यूज़ करते हो, पॉलीथीन को यूज़ करते हो एज अ डायलैक्ट्रिक। और जो हमारी कोएक्सियल केबल्स हैं वो आपकी क्या प्रोवाइड करती हैं, ईएम शील्डिंग प्रोवाइड करती हैं एक्सटर्नल फील्ड के अगेंस्ट। ईएम फील्ड का क्या मतलब है यहाँ पे, अब कि आपकी जो केबल है उसके अंदर कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का कोई इंटरेक्शन नहीं होगा, क्योंकि बाहर आपकी किसकी लेयर है, डायलैक्ट्रिक की। डायग्रामेटिकली अगर हम बात करें तो कुछ इस टाइप की हमारी केबल होती है कि अंदर ये कॉपर की लेयर है, बाहर ये कोई कंडक्टर है, बीच में आपका क्या है, डायलैक्ट्रिक फील्ड है। तो ये जो बाहर की लेयर है डायलैक्ट्रिक की एंड इसके अंदर वाली डायलैक्ट्रिक, ये बिल्कुल सेंटर कोर तक कोई भी इफेक्ट नहीं आने देते आउटर फील्ड्स का। तो इसीलिए हमारी केबल्स के अंदर क्या होती हैं, ईएम फील्ड हमारी कन्फाइन होती हैं, जो आप यहाँ से कंडक्ट कराना चाहते हो वही कंडक्ट करा सकते हो। जो लॉसेस हैं डायलैक्ट्रिक के अंदर वो इंक्रीज हो जाते हैं जैसे जैसे आप हायर फ्रिक्वेंसी इंक्रीज़ करते हो, यानी कि आपकी फ्रिक्वेंसी इंक्रीज़ करने के साथ साथ क्या हो जाते हैं, लॉसेस भी इंक्रीज़ हो जाएंगे। और इन केबल्स को मोस्टली 1 GHz फ्रीक्वेंसी तक आप यूज़ कर सकते हो। फिर अगर इसके बेसिक यूज़ की बात की जाए तो यूज़ कहाँ पे कर सकते हैं, टेलीफोन ट्रंकलाइंस, जो हमारी टेलीफोन वायर्स होती हैं उनके अंदर, ब्रॉडबैंड इंटरनेट नेटवर्क केबल्स, हमारे इंटरनेट की जो केबल्स होती हैं वहाँ पे भी हम कोएक्सियल केबल्स का ही यूज़ करते हैं, या फिर हाई स्पीड कंप्यूटर डाटा बसेस में केबल टेलीविज़न सिग्नल, जैसे कि हमने ट्रांसमिशन में भी बात की, या फिर कनेक्टिंग रेडियो ट्रांसमीटर एंड रिसीवर टू देयर एंटीना। ये सारे के सारे क्लासिफिकेशन हम ट्रांसमिशन के एग्जांपल में भी पुट कर सकते हैं अगर हमसे पूछा जाता है तो, क्योंकि कोएक्सियल उसी का पार्ट है। सो इन सब चीज़ों में प्रॉपरली हम कोएक्सियल केबल का यूज़ कर सकते हैं इजीली। और ये पॉइंट वाइज इसीलिए बताया गया ताकि आपको अलग अलग से समझ में आ जाए और इन चीज़ों को आप अच्छे से एक्सप्लेन करके एक एटलीस्ट 4 मार्क्स का क्वेश्चन प्रिपेयर कर सको, क्योंकि
कोएक्सियल केबल के ऊपर सीधा सीधा चार नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके, सो होप समझ में आ गया होगा कि 1858 के अंदर डिस्कवरी हो चुकी थी, लेकिन इसको वैलिड कब माना गया? 1880 के अंदर। होता क्या है, दो डायलेक्टिक से घिरा हुआ हमारा एक कंडक्टर ही होता है ये। फर्स्ट लेयर हमारी बाहर प्लास्टिक की होती है, सेकंड फिर हमारे किसी कंडक्टर कॉपर लाइक, थर्ड लेयर फिर से हमारी डायलेक्ट्रिक की, एंड फोर्थ लेयर हमारी मेन इनर कोर कॉपर की। हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन जहाँ पे लॉसेस कम हो वहाँ। और ये हमें पता चले गया कि दो कंडक्टर्स होते हैं, डायलेक्ट्रिक में आप गैस फिल्ड कर सकते हो या फिर एयर सॉलिड कुछ भी। मोस्टली इन केबल्स के लिए हम पॉलीथीन को डायलेक्ट्रिक के तौर पर यूज़ करते हैं। ईएम शील्डिंग प्रोवाइड करती हैं, लॉस इंक्रीज़ हो जाते हैं फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ करने के साथ साथ, और हमारी केबल्स को हम 1 GHz फ्रीक्वेंसी तक यूज़ कर सकते हैं। जो बेसिकली यूज़ हमारे आसपास देखने को मिलते हैं उनको हम इसके यूज़ के तौर पर आराम से लिख सकते हैं। सो ये थे हमारी कोएक्सियल केबल्स, आई होप समझ में आ गई होगी, लेकिन इन केस कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।